साथ नॉन मेटल का रिएक्शन देखेंगे। अभी हम लोग ऑक्सीजन के साथ देखे थे, अब वाटर के साथ देखिए कि नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ अंडर वाटर। कहने का मतलब ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, जब वो वाटर में घुला रहता है, जिसके कारण जो पानी के अंदर जो प्लांट है उसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी के अंदर जो जीव जंतु है उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वही सस्टेन करता है, माने जीव का रक्षा करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पानी के अंदर, यही ऑक्सीजन का घुलने का जो कैपेसिटी होने के चलते ऑक्सीजन जो है वाटर में घुला रहता है, जिसके चलते पानी के अंदर जो है प्लांट और एनिमल का लाइफ एग्जिस्ट हो पाया है। ये हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब देखिए, क्लोरीन डिसॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड और प्लेस्ड इन अ सनलाइट फॉर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन जो है Cl2, क्लोरीन जो होता है क्या, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल है। क्लोरीन जो है जब वाटर के साथ सनलाइट या गर्म करने करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में छोड़ देते हैं या गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, इसको हम लोग HCl प्लस O2 लिख सकते हैं। HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस O2, O2 माने ऑक्सीजन। तो आप समझ लें कि क्लोरीन के साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुला रहता है, जिसके चलते पानी के अंदर जो प्लांट है या एनिमल है उसका लाइफ जो है एग्जिस्ट हो पाता है, नहीं तो वो सबको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, प्लांट्स अपना प्लांट्स सनलाइट लेता है, ऑक्सीजन वो भी छोड़ता है, ठीक है, और ऑक्सीजन वो लेता भी है, कोई कोई प्लांट है ऑक्सीजन लेता है, कोई कोई प्लांट है ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट जो पानी के अंदर है या जो जीव है, जैसे मछली है, मगरमच्छ है, बहुत सारा जीव है जो पानी के अंदर रहता है, तो उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में, जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन का, उसके चलते ये सब हो पाया है, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। ये दो रिएक्शन आपने देख लिया, पहले ऑक्सीजन नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और दूसरा वाटर से, यही दो वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। नॉन मेटल मेटल का पांच था लेकिन इसमें दो ही है, दो ही चीज से रिएक्शन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल का यूज क्या क्या है, उसका कहां